तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो गई थी हमारी 7 बजे मेरे को एक ऑफलाइन राइड मिल गई है। एक्चुअली 3-4 दिन की ऑफलाइन राइड है जो दो तीन दिन के गैप में है। यहाँ पे अभी हूँ मैं रोहतक में एक स्कूल है एस एच करके हिंदू कॉलेज में उन बच्चों का पेपर है। राइड थी ये वहीं से द्वारिका सी और ये 4 दिन की है। तो किलोमीटर था इसका 70 और इसमें 130 रुपये का टोल है। दोनों साइड से 200 रुपये का टोल लगेगा और ये राइड मेरी है 2500 रुपये में, जिससे कि अभी मैंने 8:30 बजे ला के इनको छोड़ दिया और इनका 8-9 बजे से पेपर है। तो इनकी जो फिर ख़त्म होगा पेपर वो 12:30 बजे ख़त्म होगा, 2 बजे हमारी ड्यूटी समाप्त। 12:30 बजे से ये लगा लो 1.5 घंटे में मैं इनको छोड़ दूंगा, 2 बजे फ्री हो जाऊंगा। 2 बजे फ्री होने के बाद हाँ जो मेरी अर्निंग होगी वो 2500 रुपये होगी। अब उसमें आप खर्चा काट सकते हैं जितने का भी होगा। तो दूसरी बात ये है कि जो हमारा 30 डे चैलेंज का था वो कल 27वां दिन था। कल 30 तारीख थी लेकिन 27वां दिन था और कल हमारा 30 डे चैलेंज का जो महीना है वो समाप्त हो गया है। हालांकि अभी मैंने एस्टिमेट नहीं बनाया, उसका एस्टिमेट बना के एक दिन फ्री होकर वीडियो बनाऊंगा। ये कल ही भी मैं फ्री होकर कोई वीडियो बनाऊं कि भाई कितने का क्या क्या काम धाम जुड़ा, कल बताऊंगा इस बारे में। क्योंकि कल भी मेरी एक ऑफलाइन राइड है इधर हापुड़ साइड की, तो आज देखेंगे कितने का काम होगा कितने की टोटल। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 2 बजे के बाद अपना दिल्ली में ही कोई लोकल काम करेंगे, जितना का भी होगा फाइनल वीडियो बना के दिखाएंगे। और जैसा कि हमारा 30 डे चैलेंज था उसका महीना रहा बिल्कुल डाउन रहा है ये महीना, मतलब डाउन में गिना जाएगा क्योंकि कुछ दिन ही इसमें अच्छा काम हुआ, बाकी डाउन ही डाउन रहा है। बाकी ये महीना देखेंगे कैसा काम करेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है भाई इसमें मैं वीडियो तो डेली बनाऊँगा, लेकिन ये नहीं है भाई चैलेंज है किसी चीज़ का, ये कोई वो जो अपना नॉर्मल काम करेंगे। एक महीने का एस्टिमेट हमें दिखाना था, एक महीने का एस्टिमेट हम दिखा चुके हैं। और जो एक महीने में कितने दिन काम हुआ, 27 दिन काम हुआ हमारा। क्योंकि ये भी दिखाना होता है कि भाई कितना दिन काम कर पाता है आदमी, कितने भी घोड़े दौड़ा लो आदमी कितने दिन से 27-28 दिन से ज़्यादा काम कर ही नहीं पाता, बल्कि 26 दिन भी। और 26 दिन में भी बहुत से दिन ऐसे हुए जो मैं आधे आधे दिन में ही आ गया हूँ, क्योंकि जब काम नहीं होता, क्योंकि मेरे को दिखानी है रियलिटी के आदमी। ये नहीं है चलो चैलेंज दे दिया भाई 1 लाख रुपए महीने का, चलो भाई दिन रात एक कर दिया भाई, ये दिन रात को ये थोड़ी, चलो एक महीने में मैंने करके दिखा दिया और हो भी जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब पूरी मेहनत कर आदमी हो भी जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं कर पाता। परमानेंट का मैं बता रहा हूँ कि भाई एक महीने की अर्निंग देख लिया आपने और इतनी होती है वो होता है, तो ये सब चीज़ें करके और फिर आप एक्साइटमेंट होकर गाड़ी लिए, फिर पता लगा यार अगले महीने ऐसे चल रहा है, अगले महीने है। तो रियलिटी दिखाना चाहता था मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ से बुकिंग छोड़ने के बाद फिर कहाँ क्या काम होता है या नहीं हो पाता है। ऐसा भी होता है बहुत सी बार मूड चेंज हो जाए घर जाके, तो फिर बताऊँगा कम्प्लीट जानकारी। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस अभी हो चुका है समय 12:15 बजने वाले हैं, 12:06 होगी और खड़े हैं यहीं से रोहतक। तो 12:30 बजे उन्हें लेके जाना वापसी, अब ले जा के फिर घर पे बताऊंगा आगे काम पे गया या नहीं गया, क्योंकि हो सकता है वो पूरे महीने का हिसाब भी बनाना था तो शायद छुट्टी मार लूँ। बाकी काम तो हो ही गया भाई, मरे से मरे 2000 रुपये तो 2000 नहीं तो 1800 रुपये तो बच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस घर आ चुका था मैं, आने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, 3:30 बज गए थे घर आते आते, फिर मैं काम पे गया ही नहीं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अर्निंग की बात क्या, अर्निंग तो वही 2500 रुपये, उसमें खर्चा हमारा आया है 500 रुपये की उसमें CNG लग गई है और 300 रुपये का टोल मान लो, तो 800 रुपये उसमें से साफ हो गए, तो वही अपना 1700-1800 रुपये के आसपास बचे है। तो आज की अर्निंग हमारी यही रहेगी है, कोई बात नहीं कभी कभार होता है। कल फिर हमारी ऑफलाइन राइड है, कल थोड़ी लंबी है, फिर कल का कल बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।